गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास सिक्स, हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान, लेसन वन, पाठ एक, प्रारंभिक समाज। सर्वप्रथम आपको दिया गया है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पूरा पाषाण काल में मनुष्य मुख्य रूप से थे। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला किसान, दूसरा शिकारी, तीसरा संग्रहकर्ता, चौथा खानाबदोश। आपका सही उत्तर है शिकारी। दूसरा देखिए, मध्य पाषाण काल के लोगों ने का इस्तेमाल किया, पहला साफ करने वाले, दूसरा चीड़फाड़ करने वाले, तीसरा चमकते, चौथा हाथ कुल्हाड़ी और छेदने वाले। आपका सही उत्तर है चमकते। तीसरा है, पत्थर के औजार बनाने में योजना और किसी भी अन्य शिल्प की तरह शामिल है। पहला ऑप्शन दिया है प्रयास, दूसरा दिया है तकनीक, तीसरा दिया है कौशल और चौथा दिया गया है लकड़ी। सही उत्तर है आपका तकनीक। आगे देखिए, औजार नाशपति के आकार के औजार थे और जो चीज़ों को काटने या तोड़ने के लिए किए जाते थे। पहला ऑप्शन है तेज किनारे वाले, हाथ चमकने वाले, साफ करने वाले। सही उत्तर है आपका तेज हाथ। आगे देखिए, आदि मानवों के जीवन में की खोज एक प्रमुख घटना थी। टोल और पत्थरों, नाग, आग और स्मारक। सही उत्तर है आपका आग। आगे दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आदि मानव लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले आए थे, रिक्त स्थान में आएगा 2। दूसरा है, प्राचीन काल को पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है, रिक्त स्थान में आएगा पूरा पाषाण काल। तीसरा है, औजार विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए थे, रिक्त स्थान में आएगा विभिन्न। चौथा है, किनारे वाले औजार तेज धारदार थे और पेड़ों को काटने के लिए उपयोग किए जाते थे, रिक्त स्थान में आएगा धारदार और पेड़ों। आदि मानव द्वारा आग की खोज आदि मानव के जीवन की एक प्रमुख खोज थी, रिक्त स्थान में आएगा आग। आगे दिया है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मतलब सही जोड़ी बनाना है। पहला है पाषाण काल। सही उत्तर है इसका 5 लाख ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। दूसरा दिया है मध्य पाषाण काल, इसका सही उत्तर है पत्थर। तीसरा है पूरा पाषाण काल, इसका सही उत्तर है खानाबदोश। चौथा है नव पाषाण काल, इसका सही उत्तर है हथौड़ा। अगला है चमकने वाले औजार, नव पाषाण काल। अगला है तेज धार वाले औजार, इसका सही उत्तर है चाकू। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न दिया है, प्रागैतिहासिक काल क्या है। पहला प्रश्न का उत्तर है, आप ऐसे समय के बारे में सोच सकते हैं जब शहर नहीं थे, परिवहन का कोई साधन नहीं था, हमारी मदद करने के लिए कोई मशीन नहीं थी और यहाँ तक कि हमारे आसपास कोई मानव भी नहीं होता। ऐसे जीवन को समझना मुश्किल है जो प्रागैतिहासिक काल में अस्तित्व में था, जब आदि मानव गुफाओं में रहते थे और एकत्रित फल और शुष्क फल और जानवरों से के प्राप्त शिकार से प्राप्त मांस पर जीवित रहते थे। मानव जाति के इतिहास में इस अवधि को प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2, हाथ औजार क्या थे। उत्तर 2, हाथ के औजार, ये नाशपति के आकार के औजार थे जो चीज़ों को काटने या मसलने और चारों ओर से तेज करने के लिए प्रयोग किए जाते थे। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3 दिया है आपको, पत्थर के औजार कैसे बने थे, पत्थर के औजारों के वर्गीकरण क्या थे। उत्तर देखिए, पत्थर के औजार बनाने में किसी भी अन्य शिल्प की तरह योजना और तकनीक शामिल होता है। दूसरे शब्दों में, सबसे पहले आदि मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने दिमाग में औजारों के चित्र खींचे होंगे और फिर पत्थर के टुकड़े से इसे बनाने की तकनीक विकसित की होगी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पाए गए पाषाण युग के अनेक पत्थर के औजार आकार में समान हैं।
आगे देखिए प्रश्न नंबर घ, आग कैसे खोजी गई थी, इसके क्या फायदे थे। उत्तर है, आग की खोज आदि मानवों के जीवन में एक प्रमुख घटना थी। इस तकनीक को सीखने से पहले उन्होंने जंगल में आग देखी थी, जिसमें एक पेड़ पर बिजली गिरने से वह जलने लगा था। पत्थरों को पत्थर से छोटा करते समय उनसे निकली चिंगारी सूखी पत्तियों पर गिरने से उसमें आग लग गई। इस प्रकार आग का आविष्कार अचानक हो गया। आग की खोज से कई लाभ प्राप्त हुए। यह प्रकाश प्रदान करता था और लोगों को जानवरों से बचाता था। दूसरा है, जंगली जानवरों को डराने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। तीसरा है, इससे उन्हें कच्चे मांस के बदले भुना हुआ और पकाया भोजन खाने को मिला। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या थी और उस युग में मनुष्य ने क्या सीखा। उत्तर देखिए, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में मध्य का काल था। यह काल लगभग 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक कायम रहा। मध्य पाषाण काल को छोटे जटिल और अत्यधिक विकसित कठोर औजार के रूप में जाना जाता था। वे तेज नुकीले आकार में छोटे थे और उपयोग किए जाने वाले औजार पिछली अवधि की तुलना में अधिक प्रभावी थे। अभी भी आधार सामग्री पत्थर, लकड़ी और हड्डी के औजार के रूप में ही होते थे। मध्य पाषाण काल में मनुष्यों ने पशु को पालना और खेतों में फसलों को उगाना सीख लिया। मनुष्य ने अपने औजार बनाने के लिए जानवरों की हड्डियां और सींगों का भी इस्तेमाल किया। आदमी ने जानवरों को पालतू बनाना सीखा और छोटे घरों का निर्माण कर रहने लगा। यहाँ आपका पाठ एक समाप्त होता है। आप लोग अपनी फेयर कॉपी में पाठ लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।